तो आपका जो टॉपिक है वो ये है नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद है या हानिकारक है। अभी आपने देखा हालिया समय में जम्मू कश्मीर और लद्दाख पुनर्गठित करके इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इससे पहले तेलंगाना को बनाया गया, दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज कर दिया गया। इसके अलावा भारत के विभिन्न हिस्सों में गोरखालैंड की मांग चल रही है, बुंदेलखंड की मांग चल रही है, विदर्भ वाले हिस्से की बात मांग चल रही है, उत्तर प्रदेश को चार भागों में विभाजित करने की बात चल रही है। तो विभिन्न क्षेत्रों से भारत के विभाजन की मांग चल रही है। नॉर्थ ईस्ट में ग्रेटर नागालैंड की मांग चल रही है। तो ऐसी लगातार बातें उठती हैं और इसमें से जो नए राज्यों का निर्माण है यानी कि राज्यों को दो भागों में विभाजित करके छोटे छोटे बना देना, क्या यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद होगा या हानिकारक होगा, इस विषय वस्तु को समझना है हमें समग्रता से। तो आप सभी जितने पॉइंट में बताऊं सभी को क्रमबद्धता से समझते जाना है। सबसे पहली बात, भारत जब आजाद हुआ स्वतंत्रता के टाइम पीरियड पे भारतीय संविधान में क्या किया गया था, भाग सात जोड़ करके क्या किया गया था, जितने भी राज्य थे सबको चार कैटेगरी बांट दी गई थी, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी। इसमें रियासतों को आधार बनाया गया था, है ना। ब्रिटिश रियासतें एक साथ कर दी गई थी, जितनी विलय किरण रियासतें एक साथ कई रियासतों को मर्ज करके, तो चार कैटेगरी बनाई गई। लेकिन इससे बात बनी नहीं, कालांतर में भारत में भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठित करने की मांग प्रारंभ हुई। सबसे पहला राज्य क्या बना, आंध्र प्रदेश। 1953 में आंध्र प्रदेश सबसे पहला भाषा के आधार पर सज्जित होने वाला राज्य बना। और जब आंध्र प्रदेश बना उसके बाद भाषा के आधार पर राज्यों को लगातार मांग उठनी प्रारंभ हो गई, लगातार भाषा के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों पर, क्योंकि भारत एक बहुविधीकृत देश है। यहाँ पर भाषा के आधार पर आप देखेंगे तो विभिन्न भाषाएँ विभिन्न भिन्न क्षेत्रों पर बोली जाती हैं, है ना, भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, चाहे वो तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे मलयालम हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे गुजराती हो, है ना, चाहे हिंदी हो, चाहे मराठी हो। तो हर जगह भाषाएं आप विविधीकृत पाएंगे। जम्मू कश्मीर में डोगरी बोली जाती है, तो हर जगह भाषा की विविधता है। और भाषा एक बहुत ही, आपकी जो संपर्क भाषा होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, आपकी जो मातृभाषा होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है आपको एक कनेक्शन बनाने के लिए। आप देखेंगे पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान दो भागों में विभाजित हुआ, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान ही वर्तमान में बांग्लादेश है। और जब बांग्लादेश अलग क्यों हो गया, इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि धार्मिक धर्म इतनी तेजी से हमें नहीं बांध के रखता जितना तेजी से हमें भाषा बांध के रखती है ना। जैसे आप हिंदी भाषी हैं, आप यदि विदेश जाएं और वहां पर कोई हिंदी भाषी मिल जाए तो आपको लगेगा अरे अरे क्या हो गया, है ना। तो भाषा एक बहुत बड़ा संपर्क सूत्र होता है। राष्ट्र जो आपका राष्ट्र भावना है वो भाषा के साथ जुड़ा हुआ है। यदि आपकी भाषा के साथ किसी भी तरीके की छेड़छाड़ की जाएगी तो निश्चित तौर पे आप सभी, तो भारत में 1955 में एक फजल अली आयोग बनाया गया था। इससे पहले भी दो तीन आयोग बनाए गए थे, इसके धर की अध्यक्षता में एक बनाया गया था, जेबीपी कमेटी बनाई गई थी। तो ये नकार दिया गया कि भाषा के आधार को नहीं बनाना चाहिए देश के राज्यों का। लेकिन लगातार जब मांग उठनी चालू हुई तो फजल अली आयोग बनाया गया और 1956 में भारतीय संविधान में सातवां संविधान संशोधन किया गया और उसमें राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के नए तरीके की व्यवस्था दी गई जो वर्तमान में चल रही है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत संसद को अधिकार है कि वो नए राज्यों को प्रवेश कर सकती है या भारत के जो वर्तमान राज्य हैं उनकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है, दो राज्यों को अलग करके एक राज्य बना सकती है, एक राज्य को दो भागों में बांट सकती है, उनकी परिस्थिति बदल सकती है। तो यह अधिकार है और इसको लेकर के पूरी प्रक्रिया दी गई है कि राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से यह बिल रखा जाएगा संसद पटल में, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से पहले राष्ट्रपति क्या करेंगे, संबंधित विधानसभा से संपर्क करेंगे। तो एक पूरी प्रक्रिया दी गई है और विधानसभा
की जो राय होगी राष्ट्रपति बाद नहीं कि उस राय को माने या ना माने, फिर संसद में बिल होगा, संसद में पारित होगा और यह बिल संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा और राज्यों का गठन किया जाएगा। तो अभी हालिया समय में आपने देखा जम्मू और कश्मीर और लद्दाख ये दो राज्य बने, है ना। इससे पहले तेलंगाना बना, विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों को लेकर बात चल रही है। तो एक सबसे बड़ी बात होती है क्या छोटे छोटे राज्य बना देने से देश की अर्थव्यवस्था का विकास हो जाएगा, ये क्या बात सत्य है, क्या ऐसा होना होना मतलब कितना लाजमी है। तो यदि इस बात पे जाएंगे तो आप पाएंगे कि हमारे यहाँ एक तरफ बड़े राज्यों में महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है जहाँ डेवलप्ड इकोनॉमी है, लेकिन दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट चले जाइए जहाँ पर इकोनॉमी के नाम पे कुछ नहीं है, है ना। छोटे छोटे राज्य है ना वहाँ पे, मणिपुर छोटा सा है, मेघालय छोटा सा है, सिक्किम छोटा सा है। तो यदि छोटे राज्यों के आधार पर ही डेवलपमेंट होता तो सबसे डेवलप्ड देश यही होते, राज्य यही होते। तो बहुत सारे तर्क हैं। तो सबसे पहली बात आपको जो क्वेश्चन की आपको ये टॉपिक में सबसे पहली बात क्या डिस्कस करनी है कि स्वतंत्रता के पश्चात ही नए राज्यों की मांग शुरू हो गई और आधार क्या था, भाषाई आधार, ठीक है। और वर्तमान में किस तरीके से राज्यों के निर्माण को लेकर के विभिन्न प्रकार की बातें हो रही हैं। सन 2000 में देखे तीन नए राज्य बने थे, एक उत्तरांचल बना था जो वर्तमान नाम उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश से पृथक किया गया, अब पूरा पर्वतीय क्षेत्र था, है ना। उत्तर प्रदेश मैदानी है, उत्तरांचल उत्तराखंड पर्वतीय है, है ना। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे देखा जाए तो प्राकृतिक विविधता यहाँ पर पाई जाती थी और हो सकता है नीति निर्माण में कोई गड़बड़ हुई हो, आगे मैं इसको लेकर चलता कर बात करूंगा। बिहार को बांट करके झारखंड बनाया गया, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से पृथक हुआ, तो राज्यों को बनाया गया है, ऐसा नहीं कि नहीं बनाया गया, लेकिन क्या राज्यों के निर्माण से देश का विकास संभव है, क्या छोटे छोटे राज्य बना देने से देश का विकास हो पाएगा। जैसे आप बोलते हैं ना कि जैसे संयुक्त परिवार होता है हमारा, है ना, संयुक्त परिवार होता है, उसको क्या करें, न्यूक्लियर फैमिली। अब आज के टाइम पे ये हो रहा है ना, छोटे छोटे हम दो हमारे दो, ये अवधारणा विकसित हो गई। तो क्या इसी तरीके से देश के स्तर पे देखें तो छोटे छोटे राज्य बना देने से देश का विकास ज्यादा हो जाएगा क्या, इसको लेके दोनों पक्ष हैं, हो भी होगा भी और नहीं भी होगा, दोनों तरीके के मत हैं, दोनों मतों को समझने का प्रयास करेंगे, पॉजिटिव क्या है निगेटिव क्या है, ठीक है। तो मैं पॉजिटिव कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है कि बहुत सारे लोगों का कहना है, बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर हैं जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहते हैं कि छोटे छोटे राज्य बना देने से सबसे पहली चीज़ होती कि शासन प्रशासन, किसी राज्य में शासन प्रशासन करना आसान हो जाता है। शासन प्रशासन करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। और देखिए अर्थव्यवस्था के लिए शासन प्रशासन स्थिर होना, वहाँ पे कानून व्यवस्था बहुत सुव्यवस्थित होना, ये बहुत ज़रूरी है। यदि हम शासन प्रशासन को नहीं व्यवस्थित करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो शासन प्रशासन पहला लाभ क्या है कि छोटे राज्यों से, छोटे छोटे राज्य बना देने से शासन प्रशासन क्या हो जाता है, सुलभ हो जाता है, करना आसान हो जाता है। बड़े राज्यों में थोड़ा सा इसकी दिक्कत आती है, क्राइम कम होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो शासन प्रशासन का क्या होगा, सुगम संचालन हो जाएगा, सुलभ संचालन हो जाएगा, और इससे क्या होगी, शासन प्रशासन की दक्षता में वृद्धि होगी, परफेक्शन आएगा, दक्षता में वृद्धि होगी, कानून व्यवस्था बहुत मजबूत होगी। तो ये भी एक बेनिफिट देखने को मिलता है। तो इस मामले में देखा जाए तो ये आपको देखेंगे बेनिफिट दिखाई देगा। और क्या क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, छोटे यदि राज्य है, छोटा राज्य है कोई, तो छोटा राज्य में एक बेनिफिट ये है कि संसाधनों का समुचित उपयोग होता है, संसाधनों का समुचित उपयोग होता है, संसाधनों का समुचित उपयोग होता है, और संसाधनों का विकेंद्रीकरण हो जाता है, समुचित उपयोग, संसाधनों का विकेंद्रीकरण। देखिए वर्तमान में समस्या क्या है, हमारे यहाँ पे जो पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ पे क्या है, लोकतंत्रीकरण है, और लोकतंत्रीकरण में चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन सत्ता चलाई जाती है और यही शासन सत्ता में पूरा लीड करते हैं, इन्हीं के द्वारा पूरी पॉलिसी मेकिंग की जाती है। तो अब चूंकि जिस क्षेत्र में विधानसभा सीट है या लोकसभा सीट है, जहाँ ज़्यादा लोग चुन के आते हैं उन क्षेत्रों का विकास ज़्यादा होगा, और जहाँ से नहीं आते उनको दरकिनार कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं पे राजनीतिक अपहरण भी हो गया, इस पूरे मुद्दे का राजनीतिक अपहरण भी हुआ है, ये भी बात हम इसको भी हमको निकारना नहीं चाहिए, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए, मुद्दों का पूरा क्या हुआ, राजनीतिक अपहरण भी हुआ है। तो इस चीज को भी समझना जरूरी है, मैं आगे भी इसको डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहली चीज क्या है, शासन प्रशासन आपका सुलभ, पहले लाभ की बात करते हैं, हानि में अभी चलेंगे। लाभ क्या होगा, शासन प्रशासन सुलभ हो जाएगा, दक्षता में वृद्धि होगी, संसाधनों का समुचित उपयोग होगा। एक सबसे बड़ी चीज क्या है, कई बार क्या होता है, जो बड़े स्टेट होते हैं प्राकृतिक संसाधन तो बहुत ज़्यादा होती हैं, है ना, बड़े स्टेटों में प्राकृतिक संसाधन संपन्न तो होता है लेकिन पॉलिसी मेकिंग उस तरीके से नहीं होती है। जैसे कि
मान लीजिए उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश को दो भागों में बांट दिया गया ना, उत्तरांचल, उत्तरांचल देखे तो पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, आप उत्तरांचल देखें तो देहरादून के बाद पर्वत चालू हो जाता है, हरिद्वार देहरादून, देहरादून के बाद ऋषिकेश से ही देखेंगे पर्वतीय क्षेत्र चालू हो जाता है। तो जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए नीतियां अलग होनी चाहिए, क्योंकि वहां की समस्याएं, वहां की चुनौतियां अलग है, वहां का डेवलपमेंट अलग तरीके से होना चाहिए, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग तरीके से बनना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जब, चूंकि आप इस चीज को समझिए, है ना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों की पॉलिसी एक जैसी नहीं हो सकती है, दोनों की पॉलिसी अलग अलग होगी। उत्तराखंड की चुनौतियां अलग हैं और उत्तर प्रदेश की चुनौतियां अलग हैं, उत्तर प्रदेश की चुनौतियां अलग हैं और उत्तर प्रदेश की चुनौतियां अलग हैं। तो यदि हम इन दोनों पक्षों को ध्यान से देखें तो ऐसी कंडीशन में हम पाएंगे कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये दोनों राज्यों में इनको पृथक करना ही ठीक था। तो जिन राज्यों में बहुत ज्यादा प्राकृतिक संसाधन है लेकिन वहां पर नीतियों के कारण से, नीतियों की समस्या के कारण से चीजें सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पाती हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत इजीली आपको इस चीज को समझना है। अभी इसको हम देखेंगे, आगे इसको भी डिस्कस करेंगे। तो कई बार क्या हो जाता है, बड़ा राज्य है, राज्य तो बड़ा है, है ना, बड़ा राज्य है, बड़ा राज्य होने के बाद क्या है, प्राकृतिक संसाधन संपन्न भी है, वो आर्थिक तौर पे संपन्न भी है, लेकिन पॉलिसी क्या हो गई, गलत हो गई, क्योंकि मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र, या फिर कहें जनजातीय क्षेत्र है कोई, या कोई फॉरेस्ट एरिया है, तो सबके लिए पॉलिसियां गलत हो जाती हैं। आर्थिक संसाधन होने के बाद भी आर्थिक संसाधनों का क्या होता है, समुचित उपयोग नहीं हो पाता है, आर्थिक संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है, क्यों, नीतियां गलत हो जाती हैं, पॉलिसी गलत हो जाती हैं, नीतियां गलत हो जाती हैं, और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में कंडीशन बहुत बिगड़ जाएगी। इस चीज को भी ध्यान में रखना है। इस कारण से उस राज्य को, वो राज्य सामाजिक और आर्थिक तौर पे पिछड़ जाता है। उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, आज सामाजिक और आर्थिक तौर पे क्यों पिछड़ गए, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग सही तरीके से नहीं की गई और समावेशी विकास नहीं होता है ऐसी स्थिति में, है ना, और दूसरा बेहतर शासन व्यवस्था नहीं होने के कारण से पूरी की पूरी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है, यदि छोटे राज्य होंगे तो छोटे राज्यों में प्राकृतिक संसाधनों का क्या होगा, सही तरीके से उपयोग होगा, सही तरीके से उपयोग होगा। तो एक लाभप्रद ये है कि छोटे राज्यों में प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग होगा। अब क्या है, सबसे बड़ी चीज क्या है, कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर निर्जातीय समस्या है, कहीं पे नक्सलवाद की समस्या, कहीं अलगाववाद की समस्या, कहीं उग्रवाद की समस्या, कहीं धार्मिक कट्टरवाद की समस्या है, कहीं पे जनजातियों के बीच में संघर्ष हो रहा है, तो ऐसी विभिन्न समस्याएं हैं। तो इससे बेहतर है कि, चूंकि अब जैसे गोरखालैंड की बात करें, है ना, पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड की मांग हो रही है, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में, तो कहीं कहीं पर क्षेत्रवाद ज़्यादा प्रखर हो जाता है, क्षेत्रवाद प्रखर हो जाता है, वहाँ पर क्षेत्रीय समस्याएँ होती हैं, जनजातियाँ अपना जो है अलग क्षेत्र चाहती हैं, पूरा नागा विप्लववाद की समस्या क्या है, बड़ी संख्या में जनजातियों का कहना है कि हमें ग्रेटर नागालैंड बना के दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में जो बड़े बड़े राज्य होते हैं वहां पर राष्ट्रवाद की भावना को क्षति पहुंचती है, बड़े राज्यों में राष्ट्रवाद की भावना को, क्योंकि संघर्ष होते हैं, राष्ट्रीय संघर्ष होते हैं और एक सिविल वार क्रिएट हो जाता है, नक्सलवाद की समस्या है ना, नक्सलवाद वैसे इस समस्या का प्रारूप दूसरा है लेकिन फिर भी है। तो ऐसी कंडीशन में यदि छोटे छोटे राज्य बना दिए जाए तो सभी के हितों को हम संरक्षित रख सकते हैं और सभी की समस्याओं का समाधान करके राष्ट्रवाद की भावना को जागृत कर सकते हैं। भाषा के आधार पर बना दिया, देश के नागरिक खुश हो गए, उस राज्य के नागरिक खुश हो गए, उनकी समस्या, उनकी पहचान, उनकी निर्जातीयता, इसको भी महत्वपूर्ण रखते हैं राष्ट्र से ऊपर। तो ऐसी कंडीशन में नए राज्यों के गठन से निर्जातीय संघर्ष कम हो जाते हैं, क्षेत्रवाद की भावना खत्म हो जाती है, राष्ट्र विरोधी संघर्ष खत्म हो जाते हैं। तो छोटे राज्यों का महत्व क्या है, छोटे राज्यों का एक महत्व यह भी है कि छोटे राज्यों से राष्ट्रवाद की भावना प्रखर होती है, मुखर होती है। समझ रहे हैं इस बात को? तो छोटे राज्यों का एक बेनिफिट ये भी है, राष्ट्रवाद की भावना का संचार बहुत जरूरी है देश में, और जब राष्ट्रवाद की भावना का संचार होता है तो देश की अर्थव्यवस्था में गति हो जाती है। जैसे अभी देखिए चाइना का मुद्दा, अब हमारे देश का विश्व के हर देश में इस समय राष्ट्रवाद की भावना मुखरता से बढ़ रही है ना। तो राष्ट्रवाद की भावना से अब क्या हुआ, हमने ऐप बैन हुए, हमने एक्सेप्ट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, देश के अभी विभिन्न तरीके की और गतिविधियां होंगी, तो देश के अंदर क्या होता है, देश की जनता सहयोग करना चालू कर, इसलिए छोटे राज्यों के होने से राष्ट्रवाद का विकास होता है। ठीक है,
इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, जब नए राज्य, छोटे छोटे राज्य गठित किए जाते हैं, दो राज्यों से कम करके हम नए राज्यों का गठन कर देते हैं, तो एक बेनिफिट ये भी होता है कि हम जो संसाधन है उनका विकेंद्रीकरण करके सभी तक सभी संसाधनों को पहुंचा पाते हैं, चाहे जमीन की बात हो, चाहे और भी जितने आर्थिक सामाजिक जितने भी संसाधन है, सभी संसाधनों को सब तक पहुंचाते हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे खाद्य सुरक्षा की बात हो, तो सभी के व्यक्तित्व का विकास समान रूप से होता है। समझ रहे हैं, सभी के व्यक्तित्व का विकास समान रूप से होता है। और ऐसी परिस्थिति में आपको क्या समझना चाहिए, ऐसी परिस्थिति में आपको एक चीज़ समझनी चाहिए, इससे अलगाववाद, नक्सलवाद, उग्रवाद, ये सभी जब विकास की अवधारणा का जन्म होता है, छोटे राज्यों में विकास ज़्यादा होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अलगाववाद, नक्सलवाद, सांप्रदायिक कट्टरवाद, इन समस्याओं का समाधान होना चालू हो जाता है। ठीक, तो क्या होगा, विषमता कम होती है, छोटे राज्यों से विषमता भी कम होती है। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, अब इसको लेकर के आप देख सकते हैं, छोटे राज्यों में पंजाब से हरियाणा अलग किया हमने, आज हरियाणा एक सुख समृद्ध, हमारे पास एग्जांपल है, हरियाणा क्या हुआ, पंजाब से अलग हुआ, होने के बाद आज देखिए आर्थिक तौर पे तरक्की कर गया। उत्तराखंड को देख ले, उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद अच्छी खासी तरक्की कर रहा है उत्तराखंड, है ना। तो ऐसा नहीं है, छोटे छोटे राज्य जो अलग किए गए इनके हमारे पास उदाहरण मौजूद हैं, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं, ऐसा नहीं कि इससे पॉजिटिव हैं, इसके बहुत सारे नकारात्मक पक्ष भी हैं, नकारात्मक पक्ष भी हैं, ये भी हमें लिखना पड़ेगा। हर चीज़ के नकारात्मक, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, नकारात्मक पक्ष क्या है, यही चीज़ हम लोग को देखना है, यही चीज़ हमें समझना है। नकारात्मक पक्ष, सकारात्मक में बहुत सारे 5-6 पॉइंट मैंने आपको बताए, अब नकारात्मक में आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, खर्चा बढ़ जाएगा, जब कोई नया राज्य बनाया जाएगा उसके लिए नए प्रशासनिक संरचनाएं बनाई जाएंगी, है ना, नए प्रशासनिक भवन बनाए जाएंगे, तो क्या होगा, नया राज्य बनाने पर खर्च बढ़ जाता है। अभी क्या था, एक ही प्रशासनिक भवन से पूरा राज्य चलाया जाता था, अब अलग अलग पूरा तंत्र बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा, तो नए नए अलग अलग प्रशासनिक भवन, अलग अलग कार्यालयों की स्थापना करनी पड़ेगी, जिससे अतिरिक्त व्यय, तो व्यय बढ़ जाएगा, खर्चे बढ़ जाएंगे नए छोटे छोटे राज्यों के निर्माण से, पहला नकारात्मक पक्ष ये है, और ये अर्थव्यवस्था के लिए एक दबाव होगा, अर्थव्यवस्था के लिए अतिरिक्त होगा। दूसरी चीज, राज्यों का, जब छोटे छोटे राज्यों को आप गठन करते हैं तो क्या होता है, बहुत सारी सीमाएं बन जाती हैं, सीमाओं साझा, कई सारे दे, तो सीमा विवाद, राज्यों के बीच में अंतरराज्यीय सीमा विवाद, सीमा विवादों का जन्म होगा, सीमा विवादों का जन्म होगा, जितनी ज्यादा आप सीमा साझा करेंगे उतनी ज्यादा सीमा विवादों का जन्म होगा, तो छोटे राज्यों से एक समस्या ये भी है। तीसरी चीज क्या है, छोटे राज्यों के गठन से संसाधनों के बंटवारे में समस्या आएगी, संसाधनों के बंटवारे में, संसाधनों के, किसी को ज़्यादा संसाधन मिलेंगे, किसी को कम मिलेंगे, जैसे नदी जल विवाद का जन्म हो जाएगा, नदी जल विवाद का जन्म हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के आर्थिक संसाधनों में किसी के पास संसाधन ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे बिहार और झारखंड को देखें तो झारखंड के पास जितनी प्राकृतिक संपदा थी वो पूरी की पूरी चली गई, बिहार के पास कुछ नहीं बचा, तो संसाधनों का बंटवारा ये बहुत बड़ी समस्या, किसी के पास तट रहेगा, किसी के पास लैंडलॉक हो जाएगा, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में देखें, तेलंगाना लैंडलॉक हो गया, आंध्र प्रदेश के पास तट आ गया, लेकिन तेलंगाना बहुत आर्थिक तौर पे सशक्त है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, वहां पे आईटी हब है, तो ऐसी स्थिति में संसाधनों का समुचित बंटवारा नहीं हो पाएगा, जिससे भी विवाद का जन्म होगा छोटे राज्यों के निर्माण से। और क्या क्या पॉइंट हो सकता है, है ना, अब इससे क्या होगा, संसाधनों का जब समुचित बंटवारा नहीं होगा तो क्या होगा, राज्यों के मध्य राज्य कोई पिछड़ जाएंगे, आर्थिक तौर पे फिर विशेष राज्य का दर्जा दो, है ना, अभी आंध्र प्रदेश सरकार मांग हो रही थी ना कि विशेष राज्य का हमें दर्जा देना चाहिए आपको, तो राज्य क्या है, अर्थव्यवस्था में पिछड़ जाएंगे, आर्थिक विकास में पिछड़ जाएंगे। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, नए राज्यों के गठन से नागरिकों के मध्य कटुता पैदा होगी, क्षेत्रवाद की भावना को जन्म होगा, है ना, कटुता पैदा होगी, द्वेष पैदा होगी, हिंसा की भावना पैदा होगी, संसाधनों और सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया जाएगा, है ना, बड़े तरीके से आंदोलन चलते हैं और फिर आंदोलनों में क्या होता है, आप तेलंगाना का पूरा मामला देखिए, कितना लंबा संघर्ष रहा तेलंगाना का, तो ऐसी स्थिति में आर्थिक संसाधनों को क्या किया जाता है, आर्थिक संसाधनों को क्षति पहुंचाया जाता है, और इससे भी अर्थव्यवस्था की प्रगति पे ये प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। इसके अलावा नए राज्यों का गठन
में सबसे बड़ी समस्या है कि वोट बैंक की राजनीति, इस मुद्दे पूरे मुद्दे का राजनीतिक अपहरण कर लिया जाएगा, और जब पूरे मुद्दे का राजनीतिक अपहरण होगा तो इससे भी देश की अर्थव्यवस्था में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और इसके कारण से नए राज्यों के गठन से भारत की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के आपके प्रभाव होते हैं। अतः राज्यों के गठन को लेकर हमें विशेष सावधानी बरतने का प्रयास करना है, प्रयास यही करना है कि जिस क्षेत्र में नितांत आवश्यक हो कि यहां पर राज्यों का गठन करने से इस क्षेत्र का विकास हो जाएगा, आर्थिक समृद्धि हो जाएगी, उस तरीके से हमें ध्यान में रखते हुए इस पूरे के पूरे कार्य को प्रश्रय देना है, अन्यथा की स्थिति में हमें देश के विकास को संतुलित और समुचित क्रियान्वयन के तहत ही इस पूरे कार्य को करना है। तो मैंने आपको दोनों पक्ष बताए कि किस तरीके से नए राज्यों के निर्माण में सकारात्मक पक्ष हैं, छोटे छोटे राज्यों के निर्माण पर सकारात्मक पक्ष हैं, और किस तरीके से छोटे छोटे राज्यों के निर्माण में नकारात्मक पक्ष हैं। दोनों पक्ष आपने लिखे होंगे, समझ गए होंगे, है ना, समझ गए, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। आप मुझे बताएं, आपको यदि कोई